Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject computer lesson number 4 keyboard. Okay, in a last lecture we already learn about what is the monitor and what is the CPU. Today we learn what is the keyboard, okay, and how it use. Okay, so this is the picture of a keyboard. Okay, so there are so many buttons. Okay, so what is a keyboard? Keyboard kya hai? So keyboard has the key to type the letters and numbers. Keyboard किसके लिए use होता है? To type the letters and numbers. Letters type करने के लिए और numbers भी type करने के लिए use होता है. It helps to feed information in CPU. जो भी हम लोग keyboard में type करते हैं वो सब information कहाँ पे save होती है? CPU में feed होती है. मतलब वहाँ पे CPU में वो फीड करने के लिए हमें कीबोर्ड की हेल्प होती है. ठीक है, और जो भी हम लोग अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो हमें, अगर वर्ड फाइल हमारा ओपन है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं टाइप करते टाइम. अगर मैंने ए प्रेस किया कीबोर्ड पे तो मुझे सामने ए लेटर ही दिखेगा. अगर मैंने नंबर टाइप किया 1 2 3 तो मुझे नंबर ही दिखेंगे. एंड उसके बाद दिया है अ कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ बटन, कि एक कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स के सेट होते हैं, सेट ऑफ बटन. वहाँ पे सिर्फ नंबर कीज एंड अल्फ़ाबेट्स की नहीं होते हैं, उसके अलावा देर आर सो मैनी बटन्स इन द कीबोर्ड. लेट्स सी वो क्या है. ओके, सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट की. अल्फ़ाबेट की मीन्स ए टू जेड कीज, वो हम लोग, हमें पता है ऑलरेडी, हमने कीबोर्ड में देखा भी है. देन सेकेंड इज नंबर की, 1 to 9 एंड 0 नंबर की. ओके, सो दीज आर दी नंबर की. देन थर्ड इज फंक्शन की. सो यहाँ पे F1, F2, F3 ऐसे आपको बटन्स दिखेंगे कीबोर्ड के ऊपर. सो उसको क्या बोला जाता है? फंक्शन की. देन फोर्थ इज एरो की, कि एरो दिखाया जाता है ऊपर जाने के लिए, नीचे साइड में जाने के लिए एरो वहाँ पे रहते हैं, 4 एरोज, तो उसे क्या बोला जाता है? एरो की. देन अ स्पेशल की, देर आर सो मेनी स्पेशल कीज, उसका यूज़ डिलीट करने के लिए होता है, पेज अप करने के लिए होता है, पेज कॉपी करने के लिए होता है. सो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि कीबोर्ड में दीज आर दी सेट्स ऑफ की. कौन कौन से सेट्स रहते हैं? अल्फ़ाबेट की, नंबर की, फंक्शन की, एरो की एंड स्पेशल की. ओके, एंड हियर आई शो यू डिफरेंट सेट्स ऑफ बटन. जो भी कीज़ हमने अभी पढ़े उसके, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया है. सो कौन कौन सी कीज़ है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट कीज़ दिखेंगे. स्काई ब्लू कलर के एरो में यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो अल्फ़ाबेट कीज़. सो ए टू जेड की इज़ देयर, इसको क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट की. देन पिंक कलर में न्यूमेरिक कीपैड, वो दोनों जगह पे देखो, राइट हैंड साइड में भी है एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी वो नाम लिखे हैं, तो आपको दिखेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर भी 1 to 9 एंड 0 नंबर आपको दिखेगा. एंड यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड में भी एक बॉक्स के ज़रिए हमें वो नंबर की दिख रहे हैं. वहाँ पे और भी कीज़ रहते हैं, प्लस माइनस डिवाइड सब्सट्रैक्शन, वो सभी कीज़ उसमें रहते भी है. ओके, एंड येलो कलर में देखो, जैसे मैंने बोला फंक्शन की F1, F2, F3, तो येलो कलर में मैंने वहाँ पे देखो दिखाया है एरो करके. सो दीज आर दी फंक्शन कीज़. ओके, एंड एरो की आई शो यू इन अ ब्लू कलर. एरो की किस में दिखाया है? ब्लू कलर में मैंने एरो की दिखाया. देखो वहाँ पे अप डाउन है एंड राइट लेफ्ट, वो सब एरो उसमें, 4 एरो वहाँ पे हमें दिख रहे हैं. ओके, सो दीज आर दी मेन फंक्शन सेट्स ऑफ द कीबोर्ड. ओके, और उसके बाद आई शो यू सम अनदर बटन्स जो भी कीबोर्ड में रहते हैं अलग अलग, उसके बारे में. बट ये आपको सिर्फ यहाँ पे जानना है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने रेड कलर में कैप्स बटन दिखाया है. ओके, सो ये बटन किस लिए होता है? कैप्स, इफ़ यू क्लिक ऑन अ कैप्स बटन, सो कैप्स लॉक बटन, इसको क्या फुल फॉर्म है? कैप्स लॉक बटन. सो ये लॉक हो जाता है एंड ओनली राइट कैपिटल लेटर्स. यहाँ पे मैंने दिया है, देखो, इट यूज़ टू राइट ओनली कैपिटल लेटर्स. अगर इफ़ यू क्लिक ऑन अ कैप्स बटन,
आप जो भी लिखेंगे, आपको जो भी लिखना है वो सब कैपिटल लेटर्स में रहेगा, ओके। उसके नीचे ब्लैक कलर में शिफ्ट करके बटन है, शिफ्ट बटन आप देख सकते हो दोनों साइड में है, ठीक है। जेड के साइड में भी है और वहाँ पे स्लैश है उसके साइड में भी शिफ्ट बटन है। कीबोर्ड में दो शिफ्ट बटन रहते हैं, ओके। ये शिफ्ट बटन भी किस लिए यूज़ होता है, जो भी हम लोग वर्ड लिखते हैं वी राइट द फर्स्ट लेटर इन अ कैपिटल, यस ना। सो वी हैव टू, हम लोग तभी कैप्स लॉक ऑन रखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कैप्स लॉक अगर ऑन रखा तो पूरे जो भी हम लिख रहे हैं वो सब कैपिटल में आएगा, बट हमें पूरा तो कैपिटल नहीं चाहिए। सो व्हाट वी डू, वी क्लिक ऑन अ शिफ्ट एंड देन वी क्लिक ऑन अवर अल्फ़ाबेट। अगर मुझे ए कैपिटल चाहिए तो मैं शिफ्ट पे क्लिक करूँगी एंड ए पे मैं क्लिक करूँगी और मुझे क्या शो करेगा, वो ए कैपिटल लेटर में। उसके बाद मैंने शिफ्ट से हाथ निकाल दूँगी और उसके आगे के लेटर स्मॉल में अपने आप आ जाएंगे, ओके। ये आपको दोनों डिफरेंट समझ में आया, कैप्स लॉक एंड शिफ्ट का, ओके। यहाँ पे देखो नीचे ही अभी पिंक शेड में, डार्क पिंक शेड में ये अल्ट अल्ट की मैंने दिया है, ALT अल्ट। ये की क्या क्या उपयोग है मॉडिफाइडर की, ये अभी आपको सिर्फ जानने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। इसके बारे में क्या यूज़ करना है ये आपको बाद में आएगा, ठीक है। फिर CTRL कंट्रोल की ग्रीन कलर में मैंने शो किया है, देखो। यूज़ शॉर्टकट की, ये भी जो कंट्रोल की है ये भी दोनों साइड रहती है, अल्ट की भी दोनों साइड रहती है। ये क्या है, ये शॉर्टकट की है, इसको भी कैसे यूज़ करना है ये आपको बाद में आएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है ये भी बटन्स कीबोर्ड में होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये शो किए हैं, ओके। उसके ऊपर फेंट पिंक कलर में देखो एंटर का बटन है, गो इन अ नेक्स्ट लाइन, वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गो इन अ नेक्स्ट लाइन। सो व्हाट द यूज़ ऑफ एंटर बटन, जब भी आप हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, अगर हमारा सेंटेंस पूरा हो गया एंड हमें अभी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, सो वी क्लिक ऑन अ एंटर बटन, हम लोग एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, ओके। जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर है बैक स्पेस, ठीक है, BACKSPACE, बैक स्पेस ऑरेंज कलर में मैंने शो किया है। इरेज लेटर, बैक स्पेस का यूज़ क्या होता है, लेटर्स इरेज करने के लिए, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें जब भी पीछे जाना है तो हम लोग बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी अल्फ़ाबेट्स के नीचे एक बड़ा सा की रहता है उसे स्पेस बार बोला जाता है। यहाँ पे मैंने ये डार्क ग्रीन कलर में मेंशन किया है जो स्पेस बार की रहता है। सो इफ़ वी वांट टू स्पेस इन अ टू वर्ड्स, सो वी क्लिक ऑन अ स्पेस बार। हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो सब वर्ड एक साथ ही नहीं लिखते हैं ना, बीच में गैप होता है, तो वो स्पेस देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार की, जो की है ये उसका यूज करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो स्टूडेंट ड्रॉ दिस कीबोर्ड पिक्चर, ओके। सो ये इसमें आपने क्या समझा है कि व्हाट इज़ द कीबोर्ड एंड कीबोर्ड सेट, जो भी उसके कीज़ है, सेट ऑफ कीज़ है, उसके बारे में आपको याद रखना है, ओके। सो स्टूडेंट्स रीड द गिवन एंड राइट इट वन टाइम एंड ड्रॉ कीबोर्ड पिक्चर, ओके। थैंक यू।